नमस्कार दोस्तों, मैं महेश प्रजापति। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, यह जो बाइक देख रहे हैं आप, हीरो की स्प्लेंडर प्लस है। और दोस्तों, इसमें जो है कि हम टाइमिंग चैन लगाने जा रहे हैं, तो इसमें टाइमिंग चैन जो है कि कैसे लगेगा और इसकी टाइमिंग कैसे मिलेगी, इसकी परफेक्ट जानकारी हम आज आप लोग को बताएंगे। तो जो लोग सीख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसका जो मैग्नेट पल्ला है वह मैं खोल चुका हूं और आगे का भी जो कवर है ये भी खोल दिया हूं। तो दोस्तों, अब इसे हमें खोल लेना है 17 नंबर गोटी से, इसको जो है हमें खोल लेना है। तो दोस्तों, आप इस तरह से एक प्लग रिंच लगा करके, या आपके पास कूलर है तो कूलर लगा करके आप इसे जो है खोल लें। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसे जो है खोल करके, फिर इसमें मैग्नेट कूलर जो है आप लगा करके खोल लीजिए। हम खोल लेते हैं, खोल के दिखा रहे हैं। इसके बाद ये वाला जो बोल्ट है, इस बोल्ट को खोल लेना है। यहाँ से जो लॉक देख रहे हैं आप, इस लॉक को खोल करके निकाल लेना है। तो दोस्तों, हम वीडियो अपने से ही करते हैं खुद से, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, यह जो 8 नंबर टी बोल्ट है, इसको खोल करके फिर इस लॉक को भी आप खोल सकते हैं। अब अगर सीख रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ जानकारी होगी आपको, तो इसे आप खोल लीजिए। खोल करके इसको जो है बाहर निकाल लेना। निकालने के बाद दोस्तों जो है आप इसे जो है बराबर से ये सब दोस्तों चैन गाइड है साइड में जो लगा हुआ है उसको खोल लेना है। फिर इसके बाद इसको बोल्ट को खोल लेना है, इस बोल्ट को भी खोल लेना है। जैसे कि दो देख रहे हैं आप लोग कि यह जो है पिनियन का जो है रबर वाला पिनियन है, और इस पिनियन का भी जो है कि दांता टूट गया है, तो दोस्तों इसको भी बदलना होगा। यह इसमें पूरा सेट है, इसके बाद आप आगे वाला इस पॉकेट जो है इसको भी खोल लें। फिर इसे आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको जो है देख रहे हैं जो यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसको बाहर कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है ये 10 नंबर बोल्ट है जो देख रहे हैं, इस 10 नंबर बोल्ट को खोल करके फिर यहाँ से आपको ब्लॉक रोलर अंदर में जो है उस रोलर को निकाल लेना है। इसे भी 5 नंबर एलकी से
जो है आप खोल करके निकाल लें। बहुत ही आसान तरीका दिया है इसमें, पर दोस्तों बहुत महंगा है सामान इसका। देखिए जैसे कि ये निकल गया, ये ब्लॉक रोलर है जो लिखा हुआ रहता है या सामने की तरफ में लगता है, और जैसे देख रहे हैं आप इसमें भी जो लिखा हुआ है हीरो, ये जो लिखा हुआ है ये जो है आपका इधर रहेगा, क्योंकि इसमें हल्का सा ऊंचा है, जैसे देख रहे हैं ये अंदर की तरफ रहेगा। और इस पंप को भी खोल करके निकाल लें, फिर इसमें थोड़ा तेल उल मार करके साफ कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम आपको लगा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, आपको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं पिनियन, इसको लगाने के लिए इसको खोलना होगा। तो इसको खोलने के लिए क्या करना है कि आपको जो है 17 नंबर गोटी है जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको ऐसे रख लेना है इस तरह से, ये पोजीशन इस तरह से। और इसके बाद में एक 8 नंबर का जो है देख रहे हैं, ये 7 नंबर का बोल्ट लेकर के इसमें, इसी साइज का होना चाहिए जितना नंबर आपका लग जाए, चाहे कोई भी सेम साइज का आप जो है एक जो है कोई रड वगैरह लेकर के इसके अंदर में इस तरह से कस के आप मारें। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह जो है इससे बाहर हो गया, फिर उस इसी तरह से इस पिनियन को जो है आप, ये पिनियन है तो जब नया पिनियन आप लगाइएगा तो फिर इसी तरह से इसको जो है आपको रख लेना है, फिर इसको आप लगा करके इसमें हथौड़ी से रिपीट कर सकते हैं, ठोक देंगे तो बैठ जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं, तो यह नया वाला है और जिधर लिखा हुआ रहेगा उसको आप जो है बाहर की तरफ रखना है, ऐसे इधर ये लिखा हुआ जो है इसको बाहर की तरफ रखना है, जो देख रहे हैं ऐसे लिखा हुआ लिखावट है इसमें बाहर की तरफ रखना। फिर आप रिपीट इस पर लगा लीजिए इस तरह से, रिपीट लगा करके फिर इस तरह से आप ठोक दीजिएगा और यह जो है परफेक्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों आगे की जानकारी बताने जा रहे हैं, तो अब आगे देखिए टाइमिंग चेन कैसे लगता है। तो दोस्तों आप टाइमिंग चेन को इधर से आप डाल करके इसमें फंसा लें, फिर इसके बाद जो लिखा हुआ है लिखा हुआ बाहर रहेगा, तो इधर से आप पुश करके इसको ठेल दें, अंदर चला गया। और फिर इसके बाद जो है आप इसे टाइट करके इधर बाहर की तरफ में आपने ऐसे निकाल करके इधर, दोस्तों ब्लॉक रोलर बोल्ट आप फंसा लीजिए लगा करके अंदर में, जैसे हम रोलर डाल दिए अंदर में। तो अब इसके बाद आगे वाला स्पॉकेट भी आप इस तरह से लगा लीजिए। इसके बाद जो है ये जो देख रहे हैं इसको जो है अंदर की तरफ रखना है, ये जो देख रहे हैं ऊंचा इसको अंदर की तरफ, प्लेन वाला बाहर की तरफ रखना है इसको। यहाँ पर आप यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से आप लगा लीजिए। इसके बाद में ये जो आप ये जो देख रहे हैं इसको भी हम लगा कर सेट कर देते हैं, इसको भी यहाँ लग जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम कम समय के कारण जो है आगे वाला भी स्पॉकेट लगा करके सेंटर में मिला लिए हैं, और दोस्तों ये आपको जो देख रहे हैं ये सब लगा दिए हैं। ये जो है इसका में स्प्रिंग लगता है अंदर से, यहाँ से लगता है, तो आप लोग खोले होंगे तो ज़रूर आपको जानकारी होगी, आप लोग लगा लीजिएगा। और इसको भी टाइट उट कर दिए, सब टाइट कर दिए। अब जो है हमें जो है क्लच वन वे और आपका क्या बोलते हैं कि मैग्नेट वगैन फंसाना है, तो हम आपको फंसा करके दिखा रहे हैं कि टाइमिंग कहाँ पर आप अगर परफेक्ट मिला सकते हैं आसानी से, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हमारा वीडियो पे बने रहिए आप दोस्तों। तो दोस्तों हमने सब कुछ लगा कर सेट कर दिए हैं ये सारा चीज़, तो आप अगर अभी खोले हैं तो आप सेट ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम इसमें बता रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ रहता है यहाँ से बिंदा, और एक पॉइंट जो है आपका ये जो देख रहे हैं निकला हुआ ई, और यहाँ पर एक लकीर है, ये जो लकीर है हल्का सा यहाँ पर एक लकीर है जो देख रहे हैं आप, तो इस लकीर से इसको अगर परफेक्ट मिला देते हैं और यहाँ इससे इसको परफेक्ट मिला देते हैं, तो आपको टाइमिंग जो है
परफेक्ट मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो या जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें।